Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 2, Objective and Principle of Financial Administration of Financial Administration. Topics to be covered are Introduction, Financial Administration, Objective, Principle of Financial Administration in India, Historical Perspective, New Emerging Trend. First of all, Introduction. Basically, in the earlier stage of modern age, government played the role of empire to ensure a free play of market resources. Government have had a single objective. देखिए previous time में क्या होता था, earlier stage में जो हमारे पास गवर्नमेंट होती थी उसके पास एक सिंगल ऑब्जेक्टिव रहता था, अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू द बेसिक सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड द प्रिविलेज सेशन एंड द इंटरेस्ट ग्रुप फ्रॉम द होस्टाइल फोर्सेस थ्रेडिंग द सिस्टम फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. इन दिस कॉन्टेक्स्ट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट एटलीस्ट पब्लिक स्पेंडिंग एज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव. बेसिकली जब हम लोग, अब हमारे पास क्या है, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस मतलब मनी, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स उस मनी को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना. वो मनी क्या होगी, वो ह्यूमन रिसोर्सेज से ही, हम लोगों से ही. बेसिकली गवर्नमेंट एज द फॉर्म ऑफ टैक्सेस लेती है, फंड्स की फॉर्म में लेती है. अब उन्हीं मनी को हम लोगों को अरेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, डेट मस्ट बी फॉलोड. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड कंटेन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव. सो द वेरगेरीज ऑफ मार्केट इन द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर इंस्टेंस हैव लेड टू एन and large scope of financial administration which is characterized by difficult budget, massive public debate and defecting financing. Similarly, in developing countries, the government has ensured the role of facilitator to development. Fiscal policies and administration reflect as a set of multiple objects such as stability, wealth, self-reliance, वेल्थ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. देखिए हमारे पास जो डेवलप कंट्री हैं उनके लिए हमारे पास फाइनेंशियल जो उनके रूल एंड रेगुलेशन थे वो बने हुए हैं, बट इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री तो उन्हें क्या, अपने फाइनेंस की जो पॉलिसीज हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस है वो स्टेबल हो जानी चाहिए, उनमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, रिड्यूस द इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी इन इनकम, इनकम जो पर्सन की, पर्सन टू पर्सन जो इनकम वेरी कर रही है वो इतनी नहीं करनी चाहिए. सो वो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल हैं डेट आर फॉलोड. सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक हाउस होल्ड. सो जस्ट एज एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड द पब्लिक अथॉरिटीज आर कंसर्न विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स एंड द मेजर प्रॉब्लम is to ensure the best application of limited means to procure the given ends. In this context, a financial manager focuses his or her attention on the mobilization of resources and their relational development. देखिए बेसिकली सबसे पहला क्या है जो पॉइंट था, that is our management of finance ऑफ पब्लिक हाउस होल्ड. जो एक पब्लिक की हाउस होल्ड प्रॉब्लम होती है, घर को लेके जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, जितने भी बेसिकली उसकी नीड्स हैं, डेट मस्ट बी फुलफिल्ड. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स. सो अ वेलकम डेवलपमेंट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू एंश्योरिंग ऑप्टिमल पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन थ्रू प्रोजेक्ट formulation, appraisal and implementation. Next point is provision of public goods and social services.
So basically, since the benefit from public goods and social goods are available to one and all, notwithstanding one's contribution to public exchequer, to one of all payment for the supply of such goods. Next point is growth, employment and public stability. Now, modern government are expected to focus attention on socially desired rate of economic growth, high employment and reasonable degree of public level stability and positive balance of payments position. Fifth point is capital formation. So the economic development of a nation to a great extent depends upon the capital formation through increased saving. No amount of state's coercive power can achieve this objective. Our sixth point is productive development of funds. So a major problem of underdeveloped countries is the allocation of investable funds between the competing project and programs. The entrepreneurs may prefer risk-free and quick-yielding investment rather than those which are essential in national interest. In order to ensure follow-off invertible funds into desirable channel, Planning Commission laid down guidelines regarding priorities for different types of investment for public as well as private sector. Next point is facilitating smooth flow of parliamentary processes. The basic tenet of representative governments throughout the world is supremacy of the representative institutions and their control over executive branch of the government. Next point is achievement of equality and equity. So distribution of income and wealth depends upon distribution of factor of production and factor pricing determined through the market mechanism. It also depends upon the transmission of property right through inheritance as well as personal earning abilities. Such distribution may not be in conformity with what society considers as fair or just state of distribution. Now move to our next slide. Next slide contains principle of financial administration. Now what are the principle of financial administration? So there are the various point. First point hai humare paas the principle of primacy of public invest, public choice and public policies. So देखिए different जो हमारे पास financial थे उनकी different statement आई. सबसे पहले हम लोग प्रोफेसर एडम्स की बात करते हैं. सो प्रोफेसर एडम्स इन हिज साइंस ऑफ फाइनेंस स्टेटेड दैट साइंस ऑफ फाइनेंस ट्रीट्स ऑफ वांट्स ऑफ स्टेट एंड द मींस ऑफ देयर सप्लाई एंड हेंस द फिस्कल पॉलिसीज शुड बी इम्पेयर द पेटिमोरी ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड कंट्रोल. So every society possesses what may be called political-logical framework for conditioning all forms of human activities, both public and private. Move to next point. The public of correspondence. This principle implies that there should be a causal relationship between the objective of financial administration and the function, the human and the material resources necessary to accomplish
such objective. In order, the type of functional, the personal requirement to handle them, and the physical facilities necessary for the purpose should have a relational mutual under relationship.